नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल शिवांश मसी। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में, जिसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है और 23 जून को आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं और फायदा कमा सकते हैं। सो गाइस, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मैं सीरीज लेकर आता था जिसमें मैं बताता था कि 5 स्टॉक्स और निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर अलग से वीडियोज 5 स्टॉक्स की लेकर आऊँ, जिसमें मैं आपको बताऊँ कि मैं वो स्टॉक आपको क्यों प्रोवाइड करा रहा हूँ, प्लस अलग से एक बैंक निफ्टी और निफ्टी की वीडियो लेकर आऊँ। क्योंकि गाइस, मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे जो लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों को सिर्फ मतलब होता है कि मतलब कुछ यूट्यूब मतलब कुछ हम देख रहे हैं जो हमारे जो वीडियोस देखते हैं, कि थोड़े लोगों को मतलब होता है सिर्फ टारगेट और स्टॉप लॉस से, थोड़े लोगों को मतलब होता है सिर्फ समझने से। सो गाइस, मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक अलग अलग वीडियो लेकर आऊँगा। सो जिस लोगों को भी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में जानना है, वो यहाँ पर आपको डेडिकेटेड टेक्निकल एनालिसिस से समझाया जाएगा, प्लस आप लोगों को चार्ट्स में भी बताया जाएगा कि टारगेट और स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करने हैं और कल किस तरीके से आप लोग ट्रेड कर सकते हो। सो गाइज, हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में बात करते हैं, जाके देखते हैं कि हमारा चार्ट हमें क्या बता रहा है। ठीक है, सो हम लोगों ने हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट ओपन कर दिया, डेली चार्ट ओपन है गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो इस चार्ट के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है और मैं ये स्टॉक क्यों रिकमेंड करूंगा और ये मेरे लिए बाय है या सेल है। सो गाइज, देख कर तो लग ही रहा है कि बाय होगा मेरे लिए, और क्यों है वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मल्टीपल पैटर्न्स के ब्रेकआउट्स हैं गाइज, आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं आप लोगों को दो तीन चीज़ें पैटर्न्स के बारे में समझाऊंगा जो आप लोगों के लिए आगे जाके काम पे आएगी, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं एक ट्रेंड लाइन बना देता हूँ। चलिए सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन से स्टार्ट करता हूँ। सॉरी, मैंने पहले से ही सारा कुछ बना रखा था, मैं एक बार इसे हटा देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर मैं दोबारा ट्रेंड लाइन बनाता हूँ। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये मैंने ट्रेंड लाइन बना दी जहां पर हम देख रहे हैं यहाँ पर सपोर्ट ले रही है वाली ट्रेंड लाइन पे। ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर सपोर्ट ले रही है, आप देख रहे हो मल्टीपल्स बार, और उसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, ये देखिए, अब ये मैंने सिर्फ दो ट्रेंड लाइन बनाई है, एक टॉप को मिलाते हुए और मैंने एक हाईस को मिलाया, और उसके बाद मैंने देख सकते हैं यहाँ पर लोस को मिलाया। सो यहाँ पर ये चीज मुझे क्या बता रही है, सबसे पहले हमें देखना है। ठीक है, यहाँ पर अब आप लोगों की प्रैक्टिस स्टार्ट होगी। अब आप देखिएगा ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को मैं गाइस गाऊंगा सिमेट्रिकल पैटर्न, सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न। ये गाइस बुलिश पैटर्न है। ठीक है, बुलिश क्यों गाइस, ये देखिए कुछ इस तरीके का बनता है, आप देख रहे हैं, मतलब जो लोज हैं, जो आप लो देख रहे हैं ना, पहला लो, दूसरा लो एंड थर्ड लो, आप देख रहे हो वो लो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, देख रहे हैं, और जो हाईज हैं, हाईज आप देख रहे हो वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, देख रहे हो यहाँ पर नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो हम देखते हैं स्टॉक इसके अंदर काम करता है और ये किधर भी ब्रेक कर देगा। अगर इधर ब्रेक करता है तो हमारे लिए बाय होता है, इधर ब्रेक करता है तो हमारे लिए बाय होता है। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो ये शेयर है, ये एक ट्राइंगल के अंदर काम कर रहा है, ऊपर गया नीचे गया। अब जब इसके पास जगह बंद हो जाएगी, जब जगह ही खत्म हो जाएगी ना कहीं तो ये तोड़ेगा, जहां तोड़ेगा हमारे लिए वहां पर एक अपनी बाइंग और सेलिंग बन जाती है। तो एग्जैक्ट आज यहाँ पर हमें देखने को मिला है। मैंने गाइस अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड भी करा था इस लेवल पे बाय करने के लिए, यहाँ पर मैंने बाय करने के लिए बोला था, बट कल हमने देखा था कि कल एक छोटी सी कैंडल ने होल्ड करी थी ब्रेकआउट ब्रेक करने के बाद इस अपने पर्टिकुलर बॉटम से, उसके बाद हमने आज जाके एक दोबारा ब्रेकआउट देखा। सो पॉसिबिलिटीज होती हैं कि कभी हम लोग मेजर नहीं कर पाते कि आज ब्रेकआउट देगा कल ब्रेकआउट देगा। सो हमने देखा था क्या हुआ, इस कैंडल पे यहाँ पर एक कैंडल आई। अब हमारा था कि यहाँ पर ये ब्रेकआउट देगा, अब हो सकता था कि इसने कल ब्रेकआउट नहीं दिया, कल इसने एक होल्ड कैंडल दी, होल्ड पॉज लिया, उसके बाद जाके आज हमने एक ब्रेकआउट देखा, देख पा रहे हैं। सो यहाँ पर हमें एक इस पर्टिकुलर पैटर्न का एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, जहाँ पर हम अपनी एक बाय पोजिशन बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटअप की तरफ। तो नेक्स्ट सेटअप पे और क्या यहाँ पर हमें और कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो गाइस हाँ हमें और कुछ भी दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन दोबारा बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन दोबारा बना दी है। अब आप यहाँ पर देखिएगा ये पर्टिकुलर कहाँ गया, यहाँ देखिएगा ये वाला पैटर्न एक और बन रहा है, इस पैटर्न के बारे में भी आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, एक सेकेंड गाइस, ये पैटर्न आपको देखकर ही पता चल रहा होगा ये पैटर्न कौन सा पैटर्न है। इस पैटर्न को कहते हैं गाइस हम
कप एंड हैंडल पैटर्न, ठीक है। ये जो पैटर्न है इसको हम कहते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। अब आप देख रहे हो किसने क्या करा, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, एक सेकेंड ये देखिएगा। ये यहाँ से एक ऊपर की तरफ ऐसे आया, ऐसे नहीं आया वी शेप की तरफ, ये पूरा राउंड लेके ऐसे से ऊपर आया, आप देख पा रहे हैं इस लेवल पे। और उसके बाद हमने देखा, आपको यहाँ पर देखिए समझने वाली चीज़ क्या है, समझने वाली चीज़ है ये देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो जो गैप अप ओपनिंग हुई थी, तो ये जो लेवल था ये लेवल एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ठीक है। अब मैंने जब यहाँ पर बनाया तो मतलब इसके ऊपर ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल था। सो आप देख सकते हो इसने क्या करा, इसने एक राउंडिंग बॉटम लिया, ये रेजिस्टेंस था, यहाँ तक आया, हमने देखा इसके ऊपर ब्रेक नहीं कर पाया तो हमने बाइंग नहीं करी, फिर नीचे आया, नीचे आके दोबारा एक राउंडिंग बॉटम बनाया, और उसके बाद आप देख पा रहे हो यहाँ से इसने ब्रेकआउट दे दिया। अब ये आप देख सकते हो इसने क्या करा, एक सबसे पहली बात तो ट्रेंड लाइन का इस लेवल पे सपोर्ट है, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन के अंदर ही हम देख रहे हैं कि इसका सपोर्ट है। दूसरी बात आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दे दिया और ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दे दिया, तो जो टारगेट्स निकल के आते हैं, जो ये देख रहे हो आप हैंडल, जो हैंडल होता है ना उतना हम फर्स्ट टारगेट लेकर चलते हैं, और सेकेंड टारगेट क्या होता है, जितना आप कप का डिफरेंस देख रहे हो ना उतना हमारा टारगेट होता है, ठीक है। तो दो पैटर्न्स आप लोगों को यहाँ पर मैंने बता दी है, जो दो पैटर्न सजेस्ट कर रहे हैं कि इस लेवल पे ब्रेकआउट देखने को मिला है। क्या इसके अलावा कुछ और बचता है? हाँ गाइस, कुछ और भी बचता है, वो क्या है अब उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। लास्ट है, आपको दिखाता हूं मैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, क्या बताने की कोशिश हो रही है। ये देख पा रहे हैं, ये पैटर्न आपको देखकर ही पता चल रहा होगा ये पैटर्न कौन सा है। इस पैटर्न को कहते हैं गाइस हम फ्लैग एंड पोल पैटर्न। ये जो पोल देख रहे हैं ये पोल है और ये फ्लैग बना हुआ है, फ्लैग देखे कुछ इस तरीके का होता है, तो इस तरीके का एफ पैट, एफ को ही समझ लीजिए, देखिए एफ एक तरीके का बना रहा है, ये ऊपर गया स्ट्रेट मूवमेंट दी, उसके बाद एक रेंज के अंदर काम करा, रेंज के काम करने के बाद एक सीधा ब्रेकआउट दे दिया। आप देख रहे हो ये रेंज, देख रहे हो ये रेंज पूरे 100 रुपए की रेंज है, यानी कि 2050 से लेके 2150 की रेंज है, इस रेंज के अंदर ये काम कर रहा है और अपने इसमें ब्रेकआउट देखने को मिल गया। तो अब इसके मैं टारगेट को अगर फाइंड करता हूं तो अल्टीमेट टारगेट क्या आ रहा है, ये बाय बन सकता है कल आपके लिए, हो सकता है कि कल एक छोटी सी होल्ड कैंडल दे दे फिर ब्रेकआउट दे उसके बाद दोबारा। तो अगर मैं अब सीधा टारगेट की बात करता हूँ तो गाइस टारगेट जो इस पर्टिकुलर का निकल के आ रहा है, सिर्फ फ्लैग एंड पोल की हम बात करते हैं, सबसे कम टारगेट की बात करेंगे जो कि आ रहा है 2190 का, 2190 का टारगेट निकल के आ रहा है, जो कि मुझे लगता है कि कल के कल ये दिखा सकता है, कल नहीं दिखाता तो परसों तक ये आराम से दिखा सकता है। सो 2190 का टारगेट मुझे निकल के आ रहा है, ये देखिए ये रेंज है, ये जो देख रहे हैं ये पॉइंट्स, ये रेंज के अंदर ही इसके टारगेट्स होते हैं। तो यानी कि मैं अगर रेंज बताऊं तो टारगेट क्या है, 2190 से लेके 2250 तक, ठीक है। तो आप इस रेंज के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको क्या मेंटेन करके चलना है, स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना है 2-1 अराउंड आप मेंटेन कर सकते हैं, अगर मैं मान के चलूँ तो 2120 का, ठीक है। तो ये हमारे टारगेट और हमारे स्टॉप लॉस है, तो आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। तो मैं अगली वीडियो पे अगले स्टॉक पे आप लोगों को मिलूंगा जल्दी। सो इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, पसंद आती है तो लाइक करिए गाइस इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, अगर ये आप लोगों को भी बताना चाहते हैं कि मार्केट में पैसा कमाना बहुत आसान है, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। एक स्टॉक के अंदर 3 पैटर्न्स आप लोगों को बता दिए, अगर अब भी ये फेल होता है सो गाइस इस पे हमारे कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं हमने पूरी मेहनत करके आप लोगों को इसके अंदर बताया बारीकी से कि पैटर्न का ब्रेकआउट है। सो गाइस जिस तरीके से लग रहा है कि टारगेट्स तो आने ही आने हैं, सो गाइस मेंटेन रहिए हमारे चैनल के साथ, और वीडियोस आज के आज अपलोड होने वाले हैं कि कल कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करना है।